टू माय चैनल होप एवरीबॉडी इज हैव ए वंडरफुल डे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ जैगरी और सेसने की तिल और गुड़ की चिक्की। ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है, एकदम बहुत ही क्रिस्पी और खास्ता बनाने में बहुत ही आसान है। ये जाड़ों को दिन में खाने में बहुत ही फायदेमंद होती है, कैल्शियम आयरन से भरपूर है। आप भी इसे घर पर जरूर ट्राई करें और बच्चों को भी बनाकर खिलाएं, ये बहुत ही हेल्थी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और जरूर कमेंट में लिखकर बताएं मेरे ये रेसिपी कैसे लगी आप सबको। तो चलिए फ्रेंड, आज हम बनाना शुरू करते हैं तिल और गुड़ की चिक्की बनाना। हमने एक कटोरी सीसमे ले लिए हैं तिल और एक कटोरी जैगरी ये गुड़ ले लिए हैं और ये हमने थोड़े से घी ले लिए हैं और ये इलायची पाउडर कुटी हुई ले लिए हैं। तो चले फ्रेंड्स, आज हम बनाना शुरू करते हैं तिल और गुड़ की चिक्की। देखिए अब हम ये फ्राई पैन गरम होने के लिए रख दिए हैं, अब हम इसमें तिल को फ्राई करेंगे। हम इसे अच्छी तरह चटकने तक 3 से 4 मिनट तक इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए 3 से 4 मिनट हो चुकी है, अब ये चटकने लगी है। देखिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। हम इसे फिर से फ्राई पैन में गरम करेंगे। अब हम ये गुड़ इसमें डाल देंगे अच्छी तरह से। एकदम मीडियम फ्लेम में हम इसे गुड़ को पकाएंगे। हम इसे अच्छी तरह से मेल्ट हो जाने के लिए छोड़ देंगे। हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। देखिए इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, इससे बहुत ही अच्छी स्वाद आ जाती है। अब हम एक कटोरा पानी ले लेंगे, देखेंगे गुड़ पाक हुई कि नहीं। देखिए इस तरह हम पानी में डालकर देखेंगे, ये भी और थोड़ा होएगी। देखिए अब हम इसे फिर से पानी में डालकर देखेंगे। अच्छी तरह से हो चुकी है, लड्डू बनने लगी है। देखिए कितनी अच्छी तरह से लड्डू बन चुकी है। अब हम इसमें तिल डाल देंगे। गुड़ पाक हो चुकी है, अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम इसमें ये तिल डाल देंगे, डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। खाने में बहुत ही फायदेमंद होती है तिल की लड्डू, जाड़े के दिनों में जरूर बना के खाएं, बच्चों को भी दे, बहुत ही फायदेमंद होती है। कैल्शियम आयरन की मात्रा इसमें ज्यादा होती है। हम इसे अच्छी तरह से मिला लिए हैं, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे।
अब हम एक प्लेट ले लेंगे, अब हम इसमें घी डाल देंगे, इसे अच्छी तरह से थाली में मिला लेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से थाली में लगा देंगे घी को। अब थाली में हम इसे डाल देंगे। हम इसे अच्छी तरह से हाथ में घी लगा लेंगे और इसे अच्छी तरह से फैला देंगे। अब हम एक बेलना की सहायता से इसमें घी लगा लिए हैं, अब हम इसमें रोल कर लेंगे अच्छी तरह से, इस तरह से। हम इसे पिज्जा कटर से काट लेंगे, देखिए इस तरह से। आप चाहे तो चाकू से भी काट सकते हैं। ये हमारी तिल की चिक्की बनकर तैयार है, बहुत ही क्रिस्पी और खास्ता बनी है, ये बहुत ही हेल्दी होती है खाने में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।